तमाम देखने वाले दोस्त अहबाब को अली फिरोज़मानी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। जहाँ कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, आप सबको एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। tourspopular.com के प्लेटफार्म के ज़रिए से मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे इलाक़े दिखाने की कोशिश करता हूँ और ऐसे लोगों के अहवाल, लोगों के काम आपसे शेयर करता हूँ जो बहुत नायाब और जो बहुत हैरतंगेज़ होते हैं। अगर मैं कहूँ देहाती इलाका है और खेल का मैदान नहीं है, तो है ना बहुत अजीब। जी दोस्तों, ऐसे ही है। मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखे, मेरे चारों तरफ एक देहाती वसीउ अरीज़ इलाका है। यहाँ के मैदान, यहाँ के खेत बहुत बड़े हैं, मगर बदकिस्मती की बात यह कि यहाँ पर खेलने के लिए अभी तक कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ के यूथ ने भी इसका एक अल्टरनेट हल निकाला है और एक ख़ास जगह के अंदर इन्होंने अपने लिए खेलने का एक जगह बनाया है। आपको बताने का मकसद, दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो ग्राउंड है, ये बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा दिलफरेब और दिलकश है। अभी मैं वहाँ पे जाने लगा हूँ, अभी यहाँ की जो एरिया है, ग्राउंड है, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। चले आगे बढ़ के वो देखते हैं। ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये है नीचे कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ से भी जा रहे हैं। ये जो सामना है, ये हिस्पर ब्याफो ग्लेशियर है। दिस इज़ द वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। इसी के बराबर में यहाँ पे एक छोटी सी मैदान है, जिसको यहाँ के नौजवानों ने अपने लिए खेलने का एक ग्राउंड बनाया है। इसी ग्राउंड के बराबर ऊपर एक खूबसूरत किस्म का पहाड़ मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीनरी भी है, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी सी ग्रीनरी मौजूद है। अब यहाँ के जो इस गांव के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो दोपहर के वक्त यहाँ आके खेलते हैं और अपने जो है वो फारिक औकात को यहाँ पे स्पेंड करते हैं। अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये जो गांव है, ये एक देहाती गांव है, एक ज़रई गांव है। यहाँ के जो है वो मैदान बहुत वसीउ अरीज़ है। वो जितने भी मैदान हैं, वो सब के सब यहाँ काबिल काश्त है। ऐसी कोई ग्राउंड, ऐसी कोई मैदान नहीं है जो खाली पड़ी हो और वहाँ पे खेल सके। तो इसलिए यहाँ के जो यूथ ने यहाँ पे एक छोटी सी एरिया है, इसको इन्होंने ग्राउंड बनाया है। अभी मैं नीचे जाकर आपको कुछ मज़ीद अहवाल बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा दूर हूँ, इंशाल्लाह अभी करीब पहुँच के इंशाल्लाह फिर वहाँ के अहवाल से भी आपको जी दोस्तों, देहाती इलाक़ों में क्रिकेट वगैरह बहुत कम खेली जाती है। इसके मुकाबले में इस इलाके में वॉलीबॉल और फुटबॉल को ज़्यादा पसंद किया जाता है। क्योंकि ये जो एरिया है, यहाँ का जो ज़मीन है, वो ज़्यादातर ज़रख़ेज़ से ज़्यादा काबिल काश्त है, जिसकी वजह से बाहर कहीं पर कोई खेल का ग्राउंड नहीं है। लेकिन यहाँ के नौजवानों ने यहाँ पर छोटी सी जगह है, इसी को ही अपने लिए ग्राउंड बना के इन्होंने खेल का एक ज़रिया बनाया है। क्योंकि खेल के बग़ैर इंसान कहीं पर भी जो है वो आराम से नहीं बैठ सकता, अपने फारिक औकात को वो ऐसे ही नहीं गुजार सकता है। अगर हम बुनियादी पर देखा जाए तो जो यहाँ के इंसान चांद पे हैं या जो खला में, स्पेस में काम कर रहे हैं, वो भी कोई ना कोई ऐसे फारिक औकात में कोई खेल कर अपने फारिक औकात को बेहतर बनाते हैं। यहाँ की मज़े की बात यह है कि यहाँ देखो, आसमान बिल्कुल ब्लू कलर नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ मेरे बैग पर आपको नज़र आ रहा होगा, देखें यहाँ बिल्कुल बादलों ने पहाड़ को घेर रखा है और उसके साथ साथ इसी के बराबर में यहाँ ख़तरनाक खूबसूरत और दुनिया के सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर के बराबर में यहाँ खूबसूरत किस्म का ग्राउंड है। ये जो ग्राउंड है, अपनी एक अलग महारा लगती है, अपनी एक अलग व्यू है। अगर इसको बुनियादी पर देखा जाए तो इसको अगर थोड़ा सा डेकोरेट करे तो ये बेहतरीन वॉलीबॉल पिच बन सकता है, वॉलीबॉल ग्राउंड बन सकती है। चूँकि इसके चारों तरफ देखे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ऊपर भी इतनी ज़्यादा ख़तरा नहीं है, ऊपर से लैंड स्लाइडिंग होने का, पत्ता गिरने का ख़तरा नहीं है। क्योंकि ये जो पहाड़ है, ये बहुत ज़्यादा सख्त पहाड़ है, ऊपर से कोई ख़तरा नहीं है। और साथ साथ ये देखिए, यहाँ पर इसको डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा यहाँ के जो बड़े बड़े पत्थर है इनको उठाया जाए तो यहाँ पर बेहतरीन ग्राउंड बन सकती है। और यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सतह पर
या नेशनल सतह पर यहाँ पर टूर्नामेंट्स रखे जा सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर में बेहतरीन किस्म का व्यू मौजूद। देखें यहाँ पर एक दरियाए सिंध का मंबा वियाफ हिस्पल ग्लेशियर, इसी के मुकाबले में इसी के बराबर में यहाँ वॉलीबॉल का एक ग्राउंड भी मौजूद है। जब ये दोनों साथ हो जाए तो यहाँ का व्यू, यहाँ एक टूरिस्ट मुकाम के ऊपर आप जब आप खेल का मैदान बनाते हैं तो यह अपने अंदर ही एक बेहतरीन चीज़ होगी, अपने अंदर ही एक खेल होगा, खेल के अंदर ही खेल होगा। तो मतलब ये कि दोस्तों ये जो एरिया ये भी बहुत ज़्यादा हसीन एरिया है, और इसी के मुकाबले में ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, यहाँ के लोग इसे गरुम्बर छिश कहते हैं, ये भी एक बेहतरीन किस्म का माउंटेन है। ये जो माउंटेन है ये तकरीबन सारा साल ही इसी तरह बर्फ़ से लदी हुई रहती है, और इससे बहुत सारा पानी बह जाता है और इस नदी की सूरत में जाकर दरियाए सिंध की शक्ल अख्तियार करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें यहाँ के आगे जो चीज़ें हैं, यहाँ से आगे जो जगह है या ये जो ग्लेशियर है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम ट्रैवलिंग करेंगे। इस हवाले से आपको मुकम्मल अहवाल से आगाह करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।